माय इंडिया माय इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज चर्चा करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बहुत हल्के में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको मेन आपको नेट JRF DRDO भाभा इसरो और गेट क्वालिफाई करना है। तो जो यहाँ दिया है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो इसको जनरल सी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा जाएगा। तो जैसे कि एनर्जी लेवल आपका होता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो n बराबर वन, n बराबर टू, n बराबर थ्री, n बराबर फोर, n बराबर फाइव, n बराबर सिक्स। तो यहाँ पे जब एनर्जी लेवल n टू से n वन, n थ्री से n वन, तो यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर तो जनरल सा कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ये आपका ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटम एनर्जी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जा सकते। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे तो एन जब यहाँ से एन टू से एन वन, उसके बाद एन फोर से एन वन, एन फाइव से एन वन, एन सिक्स से एन वन, तो ये आपका लाइमर सीरीज कहलाएगा। क्या? लाइमर सीरीज, तो लाइमर सीरीज कहलाएगा। और उसके बाद यही केस बामर सीरीज की बात करें तो यहाँ पे ये सबसे पहले एन थ्री से एन टू, नीचे वाले मिला के एक ऊपर, उसके बाद एन फोर से एन टू, उसके बाद एन फाइव से एन टू, फिर एन सिक्स से एन टू, थी आपका बामर सीरीज। तो ये बामर, और इसके बाद और आगे से ही चलता रहेगा। रही बात तो यहाँ पे अब एन फोर से एन थ्री, तो एन फोर एन थ्री, इसके बाद एन फाइव से एन थ्री और एन सिक्स से एन थ्री, तो ये पाशन सीरीज। तो पाशन सीरीज और इसी के सीक्वेंस में और आगे एन थ्री हो गया, तो एन फाइव से एन फोर, उसके बाद एन सिक्स से एन फोर, तो सीरीज ये ऊपर तक कैसे रहेगा डट 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 डट, तो ये बैके लाइट सीरीज। तो ऐसे तो बे के, तो यहाँ पे बैके लाइट सीरीज, तो पी आर ए सी के ई टी स्पेक्ट सीरीज। और इसके बाद यहाँ पे एक ऊपर वाला यानी एन सिक्स से एन फाइव, और उसके बाद एन सेवन से ऐसे ऐसे, तो ये फूंड सीरीज। तो फूंड सीरीज, तो लैमन बामन पाशन बैकलाइट फूंड, तो इस प्रकार का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मॉडल मिलेगा। तो रही बात तो स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम यहाँ पे स्पेक्ट्रम व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो रेडिएशन
उसके बाद यहाँ पे N1 और N2, तो इसके में चर्चा किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा। तो स्पेक्ट्रम में लाइमन थ्री, लाइमर जिसे कहते हैं, लाइमन सीरीज, तो लेमा से यू भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2 से आ रहा ना, 2, 3, 4, 5 से डट डट डट। और यहाँ पे बाल मर सीरीज, तो यहाँ पे विजुअल, तो विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बाद N1 बराबर 2 और यहाँ पे 3, 4, 5 एक डट डट डट। उसके बाद पाश्चर, पाश्चन सीरीज, तो यू भी विजुअल आई आर इसमें, और N1 बराबर 3, N2 बराबर 4, 5, 6 एंड 7 डट डट डट। उसके बाद बाय के लाइट सीरीज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गया, यहाँ पे N1 4 और यहाँ पे 5, यहाँ 4 है, उसके बाद 6, 7, 8 डट डट डट। और उसके बाद पी फाउंड, फाउंड सीरीज, तो आई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, N5 और N2 6, 7, 8 ए डट डट डट। अब एक जनरल सा प्रॉब्लम पूछता है कि रे इनर्जी का आर्डर जो भी रे का होता है कैसे होता है, तो सबसे कम रेडियो वेव, रेडियो वेव के उससे अधिक माइक्रो वेव, उसके बाद आई आर, उसके बाद विजुअल, उसके बाद यू भी, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे। तो ये आपका इनर्जी आर्डर, तो का गामा एक्स, तो कॉस्मिक रे की यहाँ पे सबसे पहले होना है, तो कॉस्मिक गा का गामा एक्स रे अल्ट्रा विजुअल वाइब्रेशन इंफ्रा माइक्रो रेडियो न्यूक्लियर, ये इस प्रकार से रख लीजिए। तो पुराने दिए हैं, और उसके बाद सेलेक्शन प्रोसेस, तो सेलेक्शन रूल क्या कहता है कि सेलेक्शन रूल, तो सेलेक्शन रूल यानी डेल्टा एन एनीथिंग मतलब होना चाहिए, एनीथिंग उसके बाद बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और डेल्टा एल बराबर +-1 या डेल्टा एल बराबर 0 फॉरबिडन के लिए। तो फॉरबिडन मतलब जैसे ये एनर्जी लेवल है तो इसी में ये रहे, और ये तो या तो एक ऊपर या एक नीचे प्लस माइनस, और फॉरबिडन जस्ट सेम, तो यहाँ पे फॉर बी 10। उसके बाद एनर्जी लेवल यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, तो एन बराबर, तो फिर इसको डायग्राम, अब यहाँ तो एनर्जी लेवल के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, तो एन एन बराबर 1
n = 2, n = 3, n = 4, तो n = 1, 1 एयर है, और यहाँ पे n = 2, 2 एयर, 2 p, 2 एयर, 2 p, n = 3, 3 एयर, 2, 3 एयर, तो ये यहाँ नंबर ये तो n वाला ए, तो 3 एयर, 3 p, 3 d एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, फिर 4 एयर, 4 p, 4 d, तो यहाँ पे जनरल का ऑर्डर, तो एनर्जी यहाँ पे आपका एन यहाँ पे सबका बना लीजिए ऐसे, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 एयर से 2 p में जा सकता है, और उसके बाद 1 एयर से 3 p में और 1 एयर से 4 p में, और यहाँ से और अगर 2 p से जस्ट एक आगे आपको ले जाना है तो p के बाद d, तो इसमें और इसके बाद और हाई तो इसमें, और इसी प्रकार इसका +1 -1 ना, तो माइनस जब आएगा तो इसमें और इसके बाद इसमें, तो ये आपका एक जनरल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जाम में पूछता है आपको कि फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इम्पॉर्टेंट है फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जनरली हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 के फॉर्म में होते हैं, तो इसी को निकालेंगे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, तो वह यहाँ पे L बराबर की बात करें तो 0 होता है, और S बराबर 1/2 निकालिए, 1s2 या 1s1, तो एक के लिए 1, तो यहाँ पे ये तो एक इस प्रकार से होगा, तो 1/2 l = 0, तो 1s1, तो इसको लेके चल रहे हैं, तो बने रहिए धीरे समझ में आएगा, तो यहाँ पे तो l = 0 और s = 1/2 और 2s + 1 = यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 2 × 1/2 + 1 ये गया बराबर 2, और j = l + s 2 l - s ऐसे होता है, तो यहाँ पे j = l 0 + 1/2 और (0 - 1/2) ओवरऑल 1/2, तो 1/2, तो एनर्जी लेवल डायग्राम इसी प्रकार से बनाएंगे, 1 1 s 2 s, उसके बाद ये एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इस साइड बनाइए साइड में अच्छा लगेगा, तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे तो 1s पहला भरा हुआ है, उसके बाद 2p, और यहाँ पे तीन होगा ना, s p d, तो s p d f ऐसे ऐसे, तो वही, तो यहाँ पे ये या तो एनर्जी यहाँ पे एक ऊपर जा सकता है, तो l =
एस बराबर 1/2, इसके लिए जे वैल्यू 3/2 और 1/2, और इसके बाद 2s+1 बराबर 2a। और इसमें तो यहाँ पे जब एच वन और तो यहाँ पे एच वन की बात करें तो एल बराबर 0, एल बराबर 0 और एस बराबर 1/2, और इसके बाद 2s+1 बराबर 2 और जे वैल्यू 1/2। और इसके बाद 3d की बात करें तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन एटम रहे इस कंडीशन में एल बराबर 2, एस बराबर 1/2, जे बराबर 5/2 या 3/2 एल बराबर 2, इसलिए यहाँ पे डी तो आपको निकालने आना चाहिए। जनरल था जे वैल्यू, उसके बाद यहाँ 2s, ये वाला फार्मूला आपको आना है 2s+1 या जी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वही सब निकाला गया है एल वैल्यू टू डी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। तो ये तो इसमें अब इसका निकालने के लिए तो यहाँ पे डी ए आया तो 2s+1 ये फार्मूला 2s, जे वैल्यू निकालते ना 2s+1 यहाँ पे एल जी, तो यहाँ पे ये होता है तो ये वैल्यू जे वैल्यू अकाउंट ये सब होता है ना, तो उसको इसे 2s+1 से 2 ये वाला यहाँ पे 2d3/2 2s+1 एल के ए डी उसके बाद ए, तो 2s+1 एल जी, तो यही निकाला गया है एल जे, तो जे था ये, तो ए, तो जे वैल्यू ये सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2d3/2 उसके बाद 2d5/2, तो 2s पर 2 यहाँ पे मिलेंगे 5/2, एक ये एक ये, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ और ये 2s+1। और इस केस में तो 2s+1 2, और उसके बाद यहाँ पर भी आपका पी आएगा, पी के लिए 1 2 क्या 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे या तो 2 होना चाहिए, तो नहीं 1 1 1, तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आपका p 3/2 और 2p 1/2, और उसके बाद यहाँ पे इसी प्रकार ये 2s+1 एल जी, तो यहाँ पे एल की वैल्यू एल प्लस एस, तो वही निकाला गया है। तो यहाँ पे 1/2 को 1/2 से यहाँ पे ऐसा जा रहा है, तो एल की वैल्यू 0, तो यह तो यहाँ पे 2s1/2 ये, तो ये इतना आपका आ गया। तो यहाँ पे हम सेलेक्शन रूल लगाएंगे, तो जनरली थी हमने आपको ये एनर्जी लेवल बना लिया है, तो लाइमन वायमन पाशा जैसे हमने समझा दिया था, उसके बाद कैसे कैसे यहाँ पे तो सेलेक्शन रूल होता है, तो हमारा डेल्टा एन सेलेक्शन रूल, सेलेक्शन रूल यहाँ पे डेल्टा एन एनीथिंग, तो यहाँ पे डेल्टा जे बराबर 0 ±1, उसके डेल्टा एल बराबर ±1, तो इसी पे ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। रही बात वही हाइड्रोजन का ही निकाल रहे हैं, तो जैसे कि
वहाँ पे आया था हमारा, तो ये आया था, उसके बाद ये दोनों आया था, एक ये और ये तो दो था, इसलिए यहाँ पे एक लाइन दो लाइन, और इसमें भी दो मिला था, तो 5/2 और 3/2 का, तो इसलिए यहाँ पे दो लाइन दिखाया गया है, एक दो, और इसमें भी एक दो, इसी प्रकार यहाँ पे एक दो, तो 3/2 और 1/2, 3/2 1/2, तो 2P 3/2, 2P 1/2, 2P 3/2, 2P 1/2, तो इसको अब लगाएंगे तो यहाँ से इसमें जा सकता है, और इसके बाद इसमें और यहाँ से इसमें चांसेस दोनों के बनेंगे, क्योंकि प्लस माइनस 1 या 0, और इसके बाद यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें, और रही बात तो यहाँ से इसमें और इसका भी इसमें और इसमें से इसमें प्लस माइनस, तो ये आपका हो गया डायग्राम, तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा हो गया सिलेक्शन रूल के थ्रू। अब जैसा कि क्वेश्चन देता है कि फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पीसीज, तो फाइंड स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन लाइन स्पीसीज, तो यहाँ पे किसका किसका, एयर हीलियम प्लस और एल आई प्लस, 1s1 1s1 का, तो इसका इसका पूछता है, तो कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो 1s, उसके बाद के बाद एनर्जी लेवल यहाँ पे 2s, 2p, 3s, 3p 3d, और ये इस ऑर्डर में होते हैं, क्योंकि ऐसे 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 बनता है ना, तो ये ऊपर है, तो ये तो 1s 2s, तो यही ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है, तो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, 1s 2s 3s, 1s 2s 3s, तो यहाँ पे 2p, तो 2s 2p एक ही में दोनों रहता है ना, तो 1s, उसके बाद 1s p में दो, अगले वाले में दो टे 1s और 2s 2p, तो एक में दो टे, उसके बाद 3s 3p और 3d ऐसे, तो इसमें दो, तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये यहाँ, उसके बाद 3s में 3, एक ये 3 में 3s 3s 3p और 3d, तो यहाँ 3s 3p 3d, और यहाँ पे अब सिलेक्शन रूल, यहाँ पे एक यहाँ और ये यहाँ, 3p से यहाँ पे 2p से 3p और इसके बाद 3d, तो आप आर्बिटल ऐसे बनाए के समझ सकते हैं, तो यहाँ पे एक यहाँ या तो यहाँ अंदर, तो वही 2p से एक ऊपर या एक नीचे, तो +1 -1, तो प्लस से यहाँ पे माइनस, तो वही दिखाया गया है, तो यहाँ पे जब माइनस में जाएगा तो यहाँ पे एक इसमें या एक इसमें, तो इसी प्रकार से पूरा दिखाया गया है, तो बने रहिए हमारे इंडिया चैनल के साथ, तो ये आपका, और अगले वाले का एक और दिखाएंगे, तो हीलियम प्लस और लिथियम प्लस,
अब यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे तो 2s 1/2, 1/2, उसके बाद 2s 1/2, उसके बाद यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 2, उसके बाद तो 1, 2, 3 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 1, 2, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 पहले ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे ऊपर ये ऐसा है, तो 2s+1 की वैल्यू यहाँ 2 पे है, 2 है, तो वो वाला समझिएगा, ये नहीं कि 2, 2 कैसे आ गया। तो यहाँ पे 2s 1/2, तो इसको भी निकालेंगे 2s 1/2, इसको भी 2s 1/2, यहाँ पे 2 मिलेंगे, एक आपको 2p 1/2 और एक मिलेगा 2p 3/2, और यहाँ पे 2 यहाँ पे भी मिलेंगे। तो निकाल लीजिए जैसे हमने आपको हाइड्रोजन वाला निकालना बताया था, तो 2p 1/2, 2p 3/2, उसके बाद यहाँ पे डी में भी 2, कौन से, एक 5/2 एक 3/2, तो 3, तो यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू 2s+1 AlJ, ये टर्म सिंबल जो होता है, तो 2d 3/2 और 2d 5/2, तो यहाँ से आपका एक इसमें और एक इसमें, तो यहाँ से ये सिलेक्शन रूल लगाएंगे तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा इसमें और ये इसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इसका प्लस एक इसमें और उसी प्रकार ये यहाँ पे जाएगा एक नीचे और ये इसमें, तो यहाँ से है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब जी मैन इफेक्ट या क्या होता है उसको चर्चा करेंगे। तो अब हम जी मैन इफेक्ट, तो जी मैन इफेक्ट क्या होता है, जी मैन इफेक्ट, तो जनरल सा समझा देंगे ज़्यादा। तो जैसे कि इस प्रकार से कोई लाइन है, तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे टर्म सिंबल जैसे 1/2J, मतलब 1/2p 3/2 एक मिला था, और 1/2p 1/2 ये दो मिले थे, तो ये एक ही में रहते, तो यहाँ पे तो ये दो एक ही के हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ये आपके दो पार्ट में भी है, क्या दो पार्ट में, मैग्नेटिक फील्ड BZ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये स्प्लिट कर जाते, तो वही आपका जी माइनस इफेक्ट होता है, इसे 2J+1 लाइन बोलते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू 2J+1 लाइन, यही आपका जी मैन इफेक्ट होता है। तो आइए एक उदाहरण लेके समझा जाए, तो यहाँ पे एक उदाहरण लिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको 2s 1/2, एक ए और ये ए हो गया, उसके बाद और ऊपर यहाँ पे 2s 2p 1/2, 2p 3/2, एक ये लाइन, ये लाइन, यहाँ पे दो लाइन, तो ये नो मैग्नेटिक फील्ड, तो जब नो नीचे लिखना चाहिए थे, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख रहे ऐसे जनरल में नीचे लिखा जाता है, इस साइड यहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, तो नो मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
ठीक है, तो नो मैग नेटिव फील्ड अप्लाइड मैग नेटिक टिक फील्ड, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और नो मैग्नेट, तो यहाँ पे जनरल से पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो आपका कुछ इस प्रक्रिया से वो लाइमन बामर वाला करता दे रहा था। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करने पर ये तीन पहले जनरल से देखिए, वो मत देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये पहले ये जनरल की लाइन है स्पेक्ट्रा की, और इसके बाद करने पर ये आपका 3/2 और प्लस 1/2 3/2 ये दो देता था, इसी का जस्ट अपोजिट प्लस माइनस, तो -1/2 -3/2, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये, और इसका 1/2 था तो +1/2 और इसका अपोजिट -1/2, और इसमें 1/2 तो ये वाला 3/2, तो 3/2 1/2 दो लाइनें मिलती थी ना, तो वही वाला था, तो 1/2 प्लस और माइनस, इसके बाद 1/2 प्लस 1/2 -1/2 दो लाइनें, उसके बाद यहाँ पे और नीचे वाला लाइन है, तो यहाँ पे उसी प्रकार करेंगे, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, तो यहाँ समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये लग गया, तो यहीं से स्प्लिट कर रहा है, तो ये स्प्लिटिंग हो रही है। ये स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये नीचे और से आ और सब है, तो इसके बाद इसको उसी क्रम में मिला देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसके बाद यहाँ से, तो यहाँ से आपका एक इसमें और इसके बाद एक ऊपर वाले में, तो इसमें भी वही करेंगे, एक इसमें और एक ऊपर वाले में प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, और नीचे से जो आ रहा है यहाँ पे एक इसमें और इसके बाद यहाँ पे एक इसमें जाएगा और एक इसमें, वही लाइमन बामन पाश्चर वाला कॉन्सेप्ट बढ़ाना है इसमें, और इसके बाद ये लाइनें स्पष्ट होनी चाहिए, तो लाइमन बामन पाश्चर देखिए, लाइनें जब तक क्लियर नहीं होंगी नंबर या चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, तो ये तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको भी यहाँ से यहाँ, 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 तो इसके बाद ये वाला बचा, तो ये यहाँ से एक यहाँ, एक यहाँ और ये यहाँ, तो ये आपके जी मैन्युफैक्चर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन प्रॉब्लम जो नेट जे आर या IIT JEE वगैरह में जो पूछा है, तो सब में आ जाएगी, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ है नहीं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द ट्रांजिशन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक, तो नहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड द ट्रांजिशन थ्री डी वन, यहाँ पे 3P1, यहाँ पे इट लीव द इन टू, तो किसमें, तो ए चार ऑप्शन दिया था, ए बी सी और डी, तो चारों ऑप्शन में यहाँ पे 3, 5, 7, 9, तो क्या मारेंगे, तो इसको उसी प्रकार से करिए, तो 3P से 3D यानी 1-1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए समझते हैं। तो 3P में यहाँ पे 0 तो वैसे ही रहता है, तो एक ही 3P और 3D, तो एक ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो स्प्लिट कर जाएगा ये, तो ये 0 वाला तो शून्य सही होता है, तो 0 वाला भी लाइन दिखा दे रहे हैं, नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, दिखाना चाहिए कि ए, तो यहाँ पे 1, 1, तो यहाँ पे +1, 0, -1 दिया हुआ है, तो वहाँ पे 3/2 और 1/2 था, तो यहाँ पे 1 है, 1 यहीं पे था, 1/2 ये भी कहीं देखे होंगे, और 3/2, 5/2 तो वही वाला लाइन ही है, तो ए प्लस माइनस, ए प्लस 1 और ये -1, यहाँ पे 0, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BZ ज़्यादातर तो लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये स्प्लिट कर गया है आपका, लाइनें क्लियर बनाना चाहिए, ये और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ए प्लस और इसके बाद, तो यहाँ पे एक्सटर्नल में ट्रांजिशन, तो 2J+1, यहाँ पे जी मैन इफेक्ट क्या होगा, तो जे की वैल्यू अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा, तो जे की वैल्यू यहाँ पे 1, तो बराबर 2×1+1, तो 2×2, 2×2=3, तो यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे जी मैन इफेक्ट अगर पूछा होता तो 2J+1 यहाँ पे निकाल लेते, तो जी मैन इफेक्ट आपका 3 आ जाता है इससे, तो 2J, तो इससे नहीं, तो यहाँ पे पूछा हुआ कि स्प्लिट इंटू तो कितने भागों में ये स्प्लिट हुआ, तो वही आपको एनर्जी यहाँ से क्या करेंगे, एक इसमें जाएगा और क्या करेगा फिर यहाँ से यहाँ, और जीरो वाले से यहाँ से यहाँ और यहीं से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, चीज़ें जितनी बार करेंगे उतनी स्पष्ट होंगी, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे स्प्लिट इंटू तो 7 भाग में स्प्लिट हुआ। नेक्स्ट नंबर का प्रॉब्लम पूछता है क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द ट्रांजिशन थ्री डी वन
3p1 यहाँ पे ऐसे एंड 3d 3/2 उसके बाद 3p1/2 यहाँ पे दिया हुआ है इतना रिस्पेक्टिवली स्प्लिट इनटू, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली स्प्लिट तो कितने भाग में स्प्लिट्स हो रहा है इन टू, तो ये यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप इसी प्रकार लगाइए। तो इसको हम बता दे रहे हैं 2 4 करीब आपका 6 आएगा, ठीक है बता दें, ठीक है अच्छा हम बता दे रहे हैं। एक ये वाला तो आपने देख ही लिया था इसका 7 आया था, ये वाला इसके पहले वाले प्रॉब्लम में था, और ये वाला दिखा दे रहे हैं। तो 3p1/2 और 3d 3/2, तो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पे ए तो 1/2 प्लस का और माइनस का 1/2 इस प्रकार बना लेंगे। यहाँ पे 3/2 तो प्लस 3/2 उसके बाद प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3/2, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2, तो ऐसे ये वाला इसका हो गया, ये तो नरी लेवल यहाँ से ये हो गया आपका, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी वही आर्डर है, ये ऐसे। तो जो भी कॉन्सेप्ट अब इसमें कहेंगे 0 क्यों नहीं लिए, तो उसमें जो कि 1/2 ये सब था, तो इसलिए वहाँ पे प्लस 1 था, इसमें 0 लिए थे। तो आइए देखते हैं, 2 बार 3 बार करेंगे स्पष्ट हो जाएंगे इसलिए। तो इसको बना के अब इसको भी इसी प्रकार दिखाएंगे, इससे इसमें और इसके बाद इससे इसमें और यहाँ पे इससे इसमें एक छोड़ देंगे ये वाला, और इसका भी उसी प्रकार निकालेंगे यहाँ से भी। तो इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें, तो यहाँ पे ये तो ओवरऑल 6, तो 6 मार दीजिए, तो 6 इस वाले का आया, इस वाले का 7 आया था। तो बने रहिए माइंड ये चैनल के साथ। तो अब हम बोहर के एटॉमिक मॉडल करेंगे, तो जिसे बोन बरी कहीं क्या 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 कहते हैं, तो बोर एटॉमिक मॉडल, तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो बोहर एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे जैसे आपका एक ऑर्बिटल वाला जानते हैं ना, यहाँ पे प्लस रहता है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये जनरल था एटम है एक N1 कक्षा, उसके बाद अगले बाद N2, उसके बाद N3, उसके बाद N4, तो N4, तो यहाँ पे ये क्या है आपका ऑर्बिट है, क्या है ऑर्बिट, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी क्या होगी फिक्स होगी, तो यहाँ पे कैरी पाथ बोलेंगे, कैरी पाथ या एनर्जी फिक्स, फिर जो एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रेवल करते हैं कैसे, तो ये सब लो लेवल की क्लास है इसलिए हम नहीं बताएंगे, हम मान के चल रहे कब होता है। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका ये सेंटर है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी जो है, तो एनर्जी यहाँ पे ई
वन, उसके बाद यहाँ से ई वन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ई टू, ई थ्री, ई फोर। तो एनर्जी का आर्डर कितने सबसे ज़्यादा, ई वन ई टू ए जन रहता है, ई थ्री ई फोर। तो इन्होंने बोहर साहब ने इसको निकाला था कि डेल्टा ई जो होगा हमारा एच म्यू वाई लैम्डा। तो इसके थ्रू एनर्जी का एक क्वांटम एनर्जी या तो अंदर कैसे जाएगा, तो ये सब दिया था। तो इसी पे बोहर एटॉमिक मॉडल, तो कैसे एनर्जी का आदान प्रदान होगा यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे इन्होंने फार्मूला ये दिया था। तो द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल विच स्प्लिट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे E बराबर एम, E बराबर एच म्यू बाई सी, म्यू बराबर E बराबर एच म्यू, म्यू बराबर सी बाई लैम्डा।